सो हे इवन फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम खेलने वाले हैं गन्स एंड स्प्यूरस 2, और ये थोड़ा सिमिलर है, मिलता जुलता है गेम से जिसका नाम है रेड डेड रिडेम्पशन 1 या कह लो 2। बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता गेम है। अगर आप रेड डेड रिडेम्पशन 2 खेलना चाहते हैं अपने फ़ोन में तो ये मोबाइल वर्जन आपके लिए है। डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और भाई मैं तो इसको खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ फटाफट से ये गेम और देखते हैं इसका इंट्रो। कुछ इस तरीके से इसका इंट्रो है और चर्च है, और चर्च के बाद देख रहे हो इसका जो बैकग्राउंड है, पीछे वाला पहाड़ी वाड़ी सब है और पेड़ पौधे, और ये रेलगाड़ी है। बिल्कुल भाई पुराने ज़माने का गेम टाइप है, जैसे वो इंजन रहता है कोयले वाला वैसी ट्रेन है। और ये पेड़ सूखा हुआ है, इसमें शायद थोड़ी पानी की कमी है। फटाफट से चलते हैं गेम के अंदर और ये देखते हैं। रेलवे स्टेशन पे हमारा जो है कैरेक्टर है वो आ चुका है, और देख रहे हो कितना ज़बरदस्त काउबॉय की तरह टोपी वोपी पहन रखी है, गन्स है हाथ में, और ये हमारा जो थोड़ा जॉयस्टिक मूव करने का है, और साइड में ये कैमरा मूव करने का है। आपको बता दिया जाएगा अगर आप ये गेम शुरू शुरू में चलाओगे तो कुछ ऐसा आएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस गेम को आगे चलाना है। तो ये है हमारा हॉर्स, और यहाँ पर मुझे टैप करने के लिए बोल रहा, तो मैंने सीटी बजाई और ये घोड़ा आ गया। मैं इसको थोड़ा दूर जाकर ट्राई करता हूँ कि ये सच में आता है, और मैं एक बार और इस पर टैप करता हूँ सीटी पे, और ये घोड़ा हमारी तरफ आ चुका है। तो आप देख रहे हो भाई बिल्कुल जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 में रहता है या 1 में रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये काउबॉय स्टाइल है। काउबॉय हेड है, गन है और घोड़े पे चलता है, बिल्कुल वैसे ही। और ये हमारा शेरिफ जो इस टाउन का पहला पुलिस स्टेशन है जहाँ पर मैं उतरा हूँ रेलवे स्टेशन के पास, और ये हमें कुछ जो है बताएगा कि किस तरीके से हमें गन को हैंडल करना है। तो हमें सिखा रहा है कि गन को किस तरह से हैंडल करना है, और मैं इसकी खोपड़ी भी देख सकता हूँ मार के गोली कैसा आता है। और ये गया, वाह देख रहे हो भाई साहब दिमाग में है ना ईंट पत्थर भरे हुए हैं। बताओ यार ईंट पत्थर ले घूमते हो गए सिर के ऊपर। और ये हमें बता रहा है कि हमें मतलब ये छुपना है, और जैसे एनिमी मारने के लिए आया तो ऐसे अगर बॉक्स हो तो आप उसमें छुप सकते हो और एनिमी को मार सकते हो। और मैं कुछ आपको टिप्स दे दूँ, अगर किसी एनिमी को पर ऐसा रेड डॉट आता है तो आप कहीं भी गोली मार लो, चाहे आप पहाड़ी पे गोली मार लो, मरेगा लगेगी उसको ही गोली। जैसे रेड डॉट है, मैं मार कहीं और रहा हूँ और ये मर कहीं और रहा है, तो मैं फटाफट से ये गन को लूट लेता हूँ। इससे जो है हमारी गन की ब्लड्स हैं वो ज़्यादा हो जाती है, और ये हमें अब आगे टारगेट देगा। तो हमें ये बता रहा है कि एनिमी को हमें पकड़ना है, वो भी रस्सी के जो लेस है हमारे पास उससे हमें इसको पकड़ना है। तो जैसे उस जैसे भाई मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल रेड डेड रिडेम्पशन 2 की तरह है। तो ये है रस्सी पकड़ने वाला, और बिल्कुल ऐसे ही वो पकड़ता है भाई, किसी को अगर किसी को बांधना हो तो ऐसे ही बांध देता है वो। और ये हमें पिकअप करना है, टारगेट को उठाना है और येलो सर्कल यानी जो येलो मार्क है उसकी तरफ ले जाना है। तो देख रहे हो भाई कीड़े की तरह रेंग रहा है भाई, देखो। वैसे गेम तो भाई अच्छा खासा है, आप इसका जो मिशन कर सकते हो बहुत सारी इसमें टाउन्स हैं, और जैसे धीरे धीरे आपको गेम को बढ़ाओगे ऐसे नए नए आपको मिशन मिलते रहेंगे। और मिशन के साथ साथ आपको पता ही है गेम भाई मज़े के लिए खेली जाती है, आप डाउनलोड करना खेलना, बताना ज़्यादा बड़ी गेम भी नहीं है। मैंने सीटी बजाई और हमारा घोड़ा हमारा चेतक आ गया हमारे पास, और मैं इसको बांध नहीं सकता, ये सिर्फ सीटी बजाने पर आता है। तो मैं इसको ऊपर हो जाता हूँ सवार और निकलता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। और देख रहे हो भाई साहब पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, और आप इसकी जो है ग्राफिक सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद जो नीचे सर्कल है ये तो वैसे आपका जो मैप है बहुत बड़ा मैप है वैसे तो इस गेम के हिसाब से। तो अभी मैं हॉपलैंड की तरफ जाने वाला हूँ, और आप देख रहे हो बहुत बड़ा जो है मैप दिया हुआ है फ़ोन के मुकाबले, जितना बड़ा ये गेम है उतना बड़ा आप मैप समझ सकते हो। ये गन है, आपके पास गन है, गन खरीद सकते हो पैसे होंगे तो। ये मैं हाई पेस की जो है ग्राफिक्स कर देता हूँ, तो इसके बाद देखना इसका ग्राफिक्स कितना अच्छा हो जाता है, टेक्सचर इसके बढ़िया हो जाएंगे, शेडो दिखने लग जाएंगे हाई ग्राफिक्स करने के बाद। और देखो घोड़े का शेडो दिख रहा है, और आप अगर खेलो तो इसको हाई कर लेना, क्योंकि हाई पे ये थोड़ा अच्छा जो है आपको ग्राफिक्स बढ़िया मिलेगा। शेडो आप देख रहे हो पेड़ के जो शेडो हैं वो भी दिख रहे हैं, घोड़े का शेडो दिख रहा है, और अब अच्छा हो गया जब मैंने इसका ग्राफिक्स हाई कर दिया तो काफ़ी अच्छा हो गया। एक बार मैं इसको ऑफ़ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखता है अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ। सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाकर इसको मीडियम कर देता हूँ। आप देखो पूरा भाई जितने भी शेडोज थे सब गायब हो गए। तो अगर आपको शेडो के साथ खेलना है तो आप इसको ऑन कर देना, हाई कर देना ग्राफिक्स को, और फिर खेलना। अब देखो, और ये देख रहे हो भाई धीरे धीरे इसकी जो शेडो बढ़ रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, यानी इसका मतलब कि शाम होने वाली है। और भाई कितना जो है डिटेल में डाला है, शाम होगी तो धीरे धीरे जैसे परछाई ग्राफिक्स जाती है वैसे ही ये जाता है। तो आप देख रहे हो पीछे की धूल मिट्टी भी कितनी
अच्छी तरीके से जो है दिया गया है इसमें टेक्सचर्स के अंदर, और घोड़े की भागने की जो स्पीड है वो भी दिखा रहा है। और ये जो है हमारा कोई मिशन देता, अगर आप रेस करना चाहो तो यहाँ जा सकते हो, ये रेस करवाता है। और ये नदी है, पहाड़ी वाड़ी सब बढ़िया एकदम भाई, अच्छे तरीके से टेक्सचर अच्छा दिया हुआ है फ़ोन के मुकाबले। अगर आप खेलो तो डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छा गेम है। और मैं इसका जो मिशन भी करूँगा आगे आगे, आपको ऐसी ही गेमिंग रिलेटेड वीडियोस और मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, क्योंकि मैं लाता रहूँगा ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और नए नए गेम्स रिलेटेड वीडियोस। तो फटाफट से कर दो सब्सक्राइब, और करोगे नहीं भाई साहब कर दो ज़रूर। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ होप लैंड, और यहाँ पर देख रहे हो सैलून वैलून बहुत सारा चीज़ है। आप यहाँ घर खरीद सकते हो अपने पैसों से जब आप कमाना स्टार्ट कर दो। वैसे तो ये बैचलर है भाई, नया नया आया है इस सिटी में, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ। तो भाई कितना अच्छा जो है अंदर का एनवायरनमेंट है। वैसे ये सैलून है, मुझे लग नहीं रहा ये बाल काटता हुआ, कुछ और ही काटने वाला भाई है। तो ये हमारा पियानो प्ले कर रहा है लड़का, वाह भाई वाह क्या आवाज़ है पियानो की, भाई इसकी नहीं, पियानो बहुत अच्छा प्ले कर रहा। तो ऊपर तो कुछ मिलेगा नहीं, आप नीचे चलना, और नीचे जाने के बाद मैं एक ड्रिंक लेना चाहूँगा। तो मेरे पास पैसा नहीं है भाई, बिल्कुल जीरो है। अगर आपकी हेल्थ कभी कम हो जाए तो यहाँ आ करके आप ड्रिंक ले सकते हो और अपनी हेल्थ 50% एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इससे निकल जाता हूँ सैलून से। तो सामने है पुलिस स्टेशन, और यहाँ आपको मिलेगा मिशन, नए नए मिशन। आपको क्रिमिनल को पकड़ना पड़ेगा, जिंदा या मुर्दा, ये आपको बता दिया जाएगा इसके अंदर ही। अगर आप इस गेम को खेलना चाहो तो डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हॉर्स राइडिंग, और बहुत अच्छे अच्छे इसमें आपको मिशन खेलने के लिए मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ एक और ऐसी नई गेम प्ले और ऐसी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय माय E1 फैमिली।